नमस्कार। गोगुंदा में ऐतिहासिक गणगौर मेले का आगाज हो चुका है। आचार संहिता के चलते इस बार मेले के आयोजन का जिम्मा प्रशासनिक अधिकारियों व ग्राम पंचायत पर है। बीती रात को उपखंड प्रशासन ने मेले का उद्घाटन करवाया। इस दौरान सभी परंपराओं का निर्वहन भी प्रशासनिक अधिकारियों ने ही किया। आपको बता दें कि एक अंतराल के बाद 1955 में गोगुंदा का मेला पुणे आरंभ हुआ था। उसके बाद से लगातार प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आदिवासी अंचल के सैकड़ों गांवों सहित दूर दराज के क्षेत्रों से लोग मेला देखने आते हैं। हर वर्ष मेले के उद्घाटन से लेकर समापन तक जन प्रतिनिधियों का तांता लगा रहता है। इस मेले में कई मंत्री भाग ले चुके हैं, मगर इस बार आचार संहिता के कारण जन प्रतिनिधियों की बजाय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सभी परंपराएं निभाते हुए मेले का आयोजन करवाया जा रहा है। कल कस्बे के चौकान में उपखंड अधिकारी ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान तहसीलदार वीरेंद्र सिंह राणावत, सायरा थानाधिकारी यशवंत सोलंकी, सरपंच गागूलाल मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी पवन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। मेले के उद्घाटन से पूर्व चारभुजा मंदिर में गणगौर की पूजा के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा में ऊंट व घोड़ों सहित गणगौर नृत्य करती हुई चौगान में पहुंची, जहां क्षेत्र की प्रसिद्ध किन्नर आशाबाई ने पारंपरिक तौर पर गणगौर को सिर पर लेकर नृत्य किया। उसके बाद उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पर्यटन विभाग द्वारा बुलाए गए लोक कलाकारों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों में कालबेलिया नृत्य, अलवर के पंग वादक सहित आदिवासी डांग नृत्य व स्थानीय लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। मेले में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। कस्बे में आने वाले सभी मुख्य मार्गों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं, ताकि लोग अपने दुपहिया व चौपहिया वाहनों को मेला प्रांगण में लाकर यातायात व्यवस्था को न बिगाड़ सके। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखा जा सके। थानाधिकारी धनपत सिंह सहित तमाम पुलिस अधिकारी मेले में गश्त कर रहे हैं और पैनी नजर बनाए हुए हैं। आज दोपहर में जहां तापमान 45 डिग्री से पार पहुंच गया, वहीं मेले में आदिवासी क्षेत्र के गांवों के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मेले में आई गरासिया आदिवासी समुदाय की महिलाएं शरीर को गुदवाती हुई दिखी, वहीं कई युवक युवतियां झूला झूलते नजर आए। मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग उमड़ रहे हैं। अब बात करते हैं गोगुंदा के गणगौर के इतिहास की। आपको बता दें कि गणगौर जो है ये कोटा से भगा कर लाई गई थी। राजा रजवाड़ों के समय में गणगौर शौर्य की प्रतीक मानी जाती थी। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के समय में कोटा की प्रसिद्ध गणगौर को छीन कर लाने की चुनौती दी गई थी,
तब उदयपुर राज दरबार में मौजूद गोगुंदा के तत्कालीन ठिकानेदार लाल सिंह झाला ने चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कोटा जाकर वहां के राजा के सामने गणगौर को घोड़े पर बैठकर नृत्य करवाने की पेशकश की। कोटा के राजा ने गणगौर नृत्य की इजाजत दे दी। तब लाल सिंह झाला गणगौर को अपने माथे पर लेकर घोड़े पर चढ़े और नृत्य करवाते हुए गणगौर को भगाकर उदयपुर आ गए। झाला के इस कार्य से खुश होकर महाराणा ने झाला को भेंट मांगने को कहा। तब झाला ने कोटा से लाई गई गणगौर को ही भेंट में मांग ली और गोगुंदा में गणगौर की सवारी निकालने की इजाजत भी मांगी। उसके बाद से कस्बे में गणगौर निकाली जाने लगी। गणगौर घाट पर गणगौर पूजन कर विसर्जन किया जाने लगा। उस समय कस्बे में स्थित गढ़ से गणगौर रवाना होकर घाट पर पहुंचती थी। आजादी के बाद गोगुंदा में गणगौर की सवारी बंद हो गई थी। पूर्व सरपंच भैरू सिंह मकवाना के कार्यकाल में सन 1955 में पुणे गणगौर मेला आरंभ किया गया। पहली बार गणगौर का मेला तालाब की पाल पर लगाया गया था, जिसमें कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाने लगी। तीरंदाजी, तलवारबाजी, लठबाजी, कुश्ती व निशानेबाजी जैसी प्रतियोगिताओं में लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। निशानेबाजी के लिए पेड़ पर नारियल लटकाकर बंदूक से गोली चलाकर निशाना लगाया जाता था। तब मिठाई आदि की दुकानें नहीं होती थी। मक्के व चने के दाने की गुगरी व गेहूं के गुड़ से बनी लापसी वितरित की जाती थी। वर्तमान में मेले का आयोजन गोगुंदा बस स्टैंड के समीप चौगान में किया जाने लगा है। यह मेला 3 दिन तक चलता है। वहीं तीनों दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर को पहले दिन लाल वस्त्र, दूसरे दिन केसरिया वस्त्र व तीसरे दिन हरे वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।